इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं कुमार काले साहब, जो भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन समाज, क्रांति और बामसेफ के ये सेक्रेटरी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, वो दो दिन के लिए हैं, बेलगाम शहर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक तरबियती उनका प्रोग्राम चल रहा है दो दिन का। मौजूदा हालात को लेकर हम कुमार काले साहब को कुछ सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम, आपका इस्तकबाल कुमार काले साहब। मौजूदा जो हालात हैं, जिस कदर एक तशद्दुद का माहौल पैदा किया जा रहा है, नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि पुलिस के ज़रिए से फसादात को बढ़ावा दे रहे हैं, पुलिस दंगाइयों के साथ है, और ऐसे माहौल में जैसा आपकी जो तंजीम है, तहरीक जो चल रही है बामसेफ के नाम से, वो किस कदर काम कर पाएगी आगे चलकर, और इस नफ़रत के माहौल को कैसे कम किया जाएगा, इसके लिए क्या रास्ता होगा सर? जो तरीका नफ़रत फैलाने के लिए किया जा रहा है, उस तरीके में झूठ का, अफवाह का और लगातार अपप्रचार का सहारा लेकर ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो हम बामसेफ बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से SC ST OBC के लोगों के अंदर इस बात के लिए बहुत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम्स और जो अन्य माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ में मिलकर एक मसावात का, भाईचारा का संदेश लेकर जोड़ने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए अलग अलग तरीके से कार्यक्रम बनाकर मजलूम का मजलूम के साथ इत्तेहाद बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। यही वो कारण है कि जिसकी वजह से आज देश के अंदर एक मजलूमों का एक बहुत बड़ा तहरीक खड़ा हो रहा। सर, जो अभी दिल्ली फसाद हुए, 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन ताहिर हुसैन और शाहरुख तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो भड़काऊ बातें करके कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा, या आज भी पीस मीटिंग के अंदर ये शरीक होते हैं और लोगों को पीस का पैगाम देना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर हुकूमत क्यों जो है शिकंजा कसना नहीं चाहती, या एक साजिश का हिस्सा है, किस तरह से देखा जाए इसको? अब जिन लोगों ने फसाद करवाए हैं उन्हीं के अगर ये लोग होंगे तो उनको क्यों पकड़ेंगे? अनुराग ठाकुर हो चाहे कपिल मिश्रा हो, ये तो सरकार के कहने इशारे पर ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। तो सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में BJP हो या और कोई हो, आज तक का अनुभव ये रहा है कि फसाद करने वालों को कभी पकड़ा नहीं जाता। फसाद के नाम पर जिनके ऊपर ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी जान माल का ज़्यादा नुकसान हुआ, उसी को ज़्यादा पुलिस थाने में पकड़ा जाता है, उन्हीं के विरोध में ज़्यादा केसेस बनाए जाते हैं। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने जो सारा किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर किया, BJP और RSS के इशारे पर किया, तो वो उसको क्यों पकड़ेंगे? अगर पुलिस अगर इस तरह से, अगर वो खुद ही दंगाइयों के साथ खड़ी रहे, कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं कि जहां पर दंगाई खुद कहते हैं कि पुलिस तो हमारी है, फिर इसका लॉ एंड ऑर्डर जैसा न्याय सुरक्षा का जो मामला आता है, तो इसका फिर क्या होगा सर अंजाम इस तरह से अगर रहा तो? हम ये मानते हैं कि जिसकी सरकार होती उसकी पुलिस होती है। भारत में पुलिस कभी भी अपने स्तर पर काम नहीं करती। आप तो दिल्ली की बात कह रहे हैं, छोटी सी जो चौकी या जो छोटा स्टेशन है वो भी पुलिस के कहने पर या लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर नहीं चलता, वो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस लोगों के द्वारा चलाया जाता है। तो हर जगह पर पुलिस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर काम कर रही है। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस का कम्युनलाइजेशन हुआ है और कम्युनल फोर्सेस का पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा हावी हुआ है। अगर इन चीज़ों को रोकना है तो पुलिस सर्विसेज में या जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, इंटेलिजेंसी सर्विसेज है, उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज का प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और बाकायदा उनके लिए ख़ास तौर पर ट्रेनिंग डेवलप किया जाना चाहिए, जिससे फसाद के समय में या नॉर्मल परिस्थिति में भी जो पुलिस है वो माइनॉरिटीज़ के लोगों को अपने हक और समर्थन में लगनी चाहिए। यहाँ सर्विसेज का कम्युनलाइजेशन होने के कारण वो दंगाइयों के समर्थन में खड़ी होती है और दंगाइयों को प्रोत्साहन देने का काम करती है। दिल्ली में जो हुआ ये इसका बस एक छोटा सा उदाहरण है। बाबरी मस्जिद के समय में भी 20,000 से ज़्यादा पुलिस वहाँ पर थी, उसके सामने पुलिस के सामने मस्जिद गिराई गई। तो ये पुलिस सर्विसेज का
पूरी तरह से क्रिमिनलाइजेशन ब्राह्मणाइजेशन हुआ है, डिफेंस सर्विसेज का हुआ है, सिक्योरिटी सर्विसेज का हुआ है, ये केवल दिल्ली पुलिस तक मामला सीमित नहीं है। सर इससे क्या कहा जाए कि जब पूरी दुनिया का ताकतवर इंसान कहा जाता है, ट्रंप की मौजूदगी, ट्रंप का आना और उसी दिन फसाद का होना, ये क्या महज इत्तेफाक है या साजिश है? ट्रंप का आना ये भी एक बीजेपी की या सेंट्रल गवर्नमेंट की रणनीति का हिस्सा था कि देश भर में जो हालात थे उन हालातों को वो बदलने की कोशिश करना चाहते थे। दुनिया भर में जो नरेंद्र मोदी की जो बदनामी NRC CA को लेकर हुई है, उसकी अपनी इमेज सुधारने के लिए इशारा किया गया। आपने देखा होगा कि गुजरात में दीवार खड़ी की जा रही है, वो तो दीवार इस कितनी भी बड़ी दीवार करो आपके जो पाप वो छुपने वाले तो है नहीं, आपकी साजिश से छुपने वाली नहीं है। और उनके जाने के बाद में खुद जो दंगाई लोग हैं वो कह रहे जैसे मोदी मतलब ट्रंप भारत से जाएंगे हम फसाद के लिए आएंगे। तो इसके पीछे दूसरा एक मुद्दा ये है जो CAA और NRC के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए ये सारा फसाद करवाया गया। 80 दिन से ज़्यादा समय हो गया, शाहीन बाग में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला, एक पत्थर भी वहाँ से नहीं चला, एक विरोध वाला नारा भी नहीं लगाया गया। और जैसे CA के समर्थन में रैली निकली 53 से ज़्यादा लोगों की जाने उसमें गए, और ये भी आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ेगा क्योंकि अभी तक उसके कोई मतलब जो प्रमाणित आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर इंस्टीट्यूशन गए उनका ये आंकड़ा 200 से प्लस जा रहा है, इतना ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि ट्रंप का आना जाना एक केवल एक दिखावा है और दुनिया भर के मीडिया को या भारत के अंदर के हालात को छुपाने का ये सारा काम किया जा रहा। सर यह बहुजन समाज के अंदर जिस तरह से तफरका किया गया और मुसलमान को एक दुश्मन सामने खड़ा करके बहुजन समाज को हिंदू बनाया गया जैसा कहा जाता है, तो क्या मुसलमान दलित या मुसलमान बहुजन, बहुजन तो सब आते हैं, तो क्या ये एक विकल्प है इसके लिए? अगर नहीं है तो जैसा हम देखते हैं कि यहाँ पर वामन मिश्राम साहब जी भी आए थे और बीजापुर में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें कि आज़ाद रावण वो भी आए थे, मैं वहाँ पर भी देखा, तो ये तकरीबन ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्लिम समाज का ज़्यादा आना और दलित समाज का इसमें शरीक न होना, क्या ये दलित मुसलमान इत्तेहाद को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या वो नतीजे कन मोड़ तक पहुँच सकते हैं? ये जो आप कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम ही इसमें बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं, ऐसा देश भर का हालात तो नहीं है। अब बड़े पैमाने पर SC ST BC के लोगों को CA NRC के नाम पर उनके साथ में क्या साजिश की जा रही है वो सामने आ रही है। जानकारी के अभाव से बड़े पैमाने पर SC ST के लोग इस मामले में शुरू के दौर में शामिल नहीं थे, मगर हमने जो लगातार कोशिशें की उसके बदौलत 29 जनवरी को CAA और NRC की विरोध में भारत बंद का बहुत सफल आंदोलन किया गया और देश के सारे राज्यों में खुलकर SC ST BC के लोग NRC और CA की विरोध में आए। सर ये जो दिल्ली फसाद, मैं फिर दिल्ली फसाद पर ही आऊँगा कि जब मरते हैं लोग या तो प्रॉपर्टियाँ जला दी जाती हैं उसके बाद तो आंसू पोंछने के लिए आते हैं, लेकिन क्या ये समाज जो हमारे बहुजन समाज के लोग फसाद होते वक्त भी कहीं ऐसा वो जो ब्राह्मणवादियों को रोकने की कोशिश की है, ऐसा कोई मिसाल है? बहुत सारी जगह पर ये चीज़ें सामने आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात को सामने नहीं लाया, सोशल मीडिया के द्वारा ऐसी बहुत सारी घटनाएँ अभी बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। बस फर्क इतना है कि उसको SC ST BC या बहुजन के नाम पर कहने की बजाय एक हिंदू ने दूसरे मुस्लिम को बचाए, इस तरीके से उन बातों को रखा जा रहा है। अगर उन चीज़ों को हम लोग सही तरीके से अगर समझे तो बहुत सारी जगह पर जो जागृत लोग हैं उन लोगों ने इस फसादात को रोकने के लिए और दंगाइयों को रोकने की भी कोशिश की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चूंकि इस फसाद को बढ़ाना चाहता है इसलिए वो उसी तरीके से बात कर रहा है। जैसे आपने कहा कि फसादात ने 53 से ज़्यादा लोग मारे गए, मगर चर्चा ब्राह्मण के नाम से होती, किसी अप्रकाश की मौत की होती है, बाकी लोगों की होती नहीं क्योंकि हमारी जान तो जान है ही नहीं। अंकित शर्मा जैसा, वो तो शर्मा है उसी के लिए नाम काफ़ी है, यहाँ तो कफन के ऊपर भी जाति का नाम लिखना पड़ता है तब जाकर उसका भाव बढ़ता है, हमारे लोगों की जान तो है ही नहीं, जलाओ या उसके ऊपर कोई अत्याचार करो वो हमको समझते नहीं।
जैसा संघ परिवार अपने 100 साल पूरे करने जा रही है 2025 में, और कहा यह जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और यही जहाँ हर जगह पर खुद हमारे वजीर दाखिला यानी कि होम मिनिस्टर तक जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे सर? सर, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है, असल में हिंदू राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करने की बात होगी। ब्राह्मण कभी भी इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के नाम पर कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा, वो ब्राह्मण राष्ट्र बना रहा है। हिंदू जिसको एससी एसटी बीसी के भी लोग बहुत सारे अपने आप को हिंदू कहते हैं, या मुस्लिम भी एससी एसटी बीसी के लोगों को हिंदू कहते हैं, तो क्या ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र के नाम पर एससी एसटी बीसी का राज लाना चाहता है? नहीं। आज पूरे के पूरे सिस्टम पर ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है। अपोजिशन पार्टी ब्राह्मणों की, रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मणों का कब्जा, आईएएस आईपीएस पर ब्राह्मणों का कब्जा, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा, तो सारा ब्राह्मण राज ब्राह्मणों ने बना लिया है। मगर ब्राह्मण राज के नाम पर उसको चर्चा में लाने की बजाय वो हिंदू राज के नाम पर उसको लाना चाहता है। असल में हिंदू राज नाम की कोई चीज़ नहीं, हिंदू राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं, वास्तविकता में वो ब्राह्मण राष्ट्र। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं बेलगाम और तमाम देश भर की जनता को ये बात और एक अपील करने के लिए यहाँ आया हूँ। 1 अप्रैल से एनपीआर भारत में लागू किया जा रहा है। एनपीआर ही वास्तविकता में एनआरसी है। एनआरसी को जो देश भर में विरोध हुआ, उस वजह से उन्होंने एनआरसी को पीछे लेकर कुछ समय के लिए दावपेच के तहत पीछे लेकर एनपीआर के द्वारा एनआरसी को थोपने का काम कर रहे हैं। तो हम बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा देश के तमाम तंजीमों को, बहुजन समाज के लोगों को अपील करते हैं कि एनपीआर को 100% बायकॉट किया जाए, क्योंकि एनपीआर में आप जो जानकारी दोगे उस जानकारी का आपके ही विरोध में उपयोग किया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने देश की तमाम तंजीमों को साथ में लेकर, जिसमें एस सी एस टी बीसी माइनॉरिटी की काफ़ी सारी संस्थाएँ हैं, एनपीआर को 100% बायकॉट करने का निर्णय लिया है। और इसको बायकॉट करने के लिए हर गली मोहल्ले में मोहल्ला कमेटियाँ बनाने का काम चालू है, और मोहल्ला कमेटियों के द्वारा एनपीआर को बायकॉट किया जाएगा। देश भर में ये फिज़ा बनाई जाए कि सभी जगह पर एनपीआर को बायकॉट किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट एनपीआर के नाम पर एनआरसी लागू करना चाहती है। जो लोग एनपीआर में जानकारी देंगे, उस जानकारी का उन्हीं के विरोध में उपयोग किया जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, इतिहास चैनल के माध्यम से तमाम जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि एनपीआर में जानकारी देने की बजाय उसको बायकॉट करने का काम किया जाए, और उसके लिए लोगों को भी अपील किया जाए कि बड़े पैमाने पर एनपीआर को बायकॉट करने का काम शुरू करें। 1 अप्रैल से इसके लिए हम लोग बड़े पैमाने पर बायकॉट आंदोलन चलाएंगे, और इसके लिए देश भर में लोगों के अंदर बेदारी करने के लिए 26 मार्च को एनपीआर के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। उसके लिए भी बेलगाम में पिछली बार भी बहुत बड़े पैमाने पर 29 जनवरी को प्रोटेस्ट हुआ था, लोग शामिल हुए थे। 26 मार्च के भी भारत बंद आंदोलन में बेलगाम के तमाम मूल निवासी भाई उसमें शामिल हो, यही एक आह्वान मैं इतिहास चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। आप लोगों को इस एनपीआर बायकॉट आंदोलन में शामिल होने के लिए जड़े पैमाने पर साथ सहयोग करना चाहिए। इतना ही मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब कुमार काले साहब, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया और ये भी ऐलान किया कि एनपीआर को लेकर जिस तरह से साजिश चली जा रही है, ये साजिश में फंसने के बजाय इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, क्योंकि एनआरसी का यही पहला कदम है और यही एनआरसी है, इस तरह की बात कही। और कई सारे बातें उन्होंने खुलकर कही कि किस तरह से एक ब्राह्मणवाद का यानी कि साजिश किस तरह से की जा रही है, और दलित मुसलमान बहुजनों में इख्तलाफात के जहर किस तरह इन्होंने अंदर तक जड़ों तक फैलाई है। और इसी को देखते हुए तमाम को, इस देश को अगर बचाना है, इस संविधान को बचाना है, तो इसको एक इत्तेहाद बहुजन समाज को एक मुट्ठी बनकर रहना पड़ेगा, ताकि इन साजिशों को हम नाकाम कर सकें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।